इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है करनाल से, जहां करनाल में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि दुष्कर्म करने के बाद में सभी आरोपी महिला को अकेला छोड़कर फरार हो गए। महिला ने किसी तरह से 100 नंबर पर फोन किया और उसे ट्रामा सेंटर में लाया गया। हालत काफी गंभीर होने के कारण महिला को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है। थाना सिविल लाइन प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि हमारे पास रोहतक से 0 FRI आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक महिला जो सोनीपत से करनाल आई थी और उसके साथ करनाल रेलवे स्टेशन पर 7-8 लोगों ने गैंग रेप किया है। महिला से 8 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म और उसके साथ साथ पाइप से पीटा भी गया। हालत काफी गंभीर है, फिलहाल महिला का इलाज पीजीआई में चल रहा है। पीजीआई में दिए गए बयान के आधार पर रोहतक पुलिस ने 0 FIR दर्ज करने के लिए भेजी है। सिविल लाइन पुलिस ने 8 युवकों के खिलाफ केस दर्ज जांच महिला थाना पुलिस को सौंप दी है। मूल रूप से यूवी के एक जिले की रहने वाली महिला करनाल के रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि इसी दौरान एक युवक आया, उसने कहा कि वह उसको खाना खिला देगा। इस पर महिला उसके साथ चल भी दी। महिला का आरोप है कि युवक उसे एक होटल के पीछे फैक्ट्री में ले गया, जहां पर पहले से ही 7 युवक तैयार बैठे थे। थाना सिविल लाइन प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि हमारे पास रोहतक से 0 FRI आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि एक महिला जो सोनीपत से करनाल आई थी और उसके साथ करनाल रेलवे स्टेशन पर 7-8 लोगों ने गैंग रेप किया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और आज हमारे एक महिला अधिकारी भी रोहतक गई हुई है, जो महिला के बयान लेने के लिए गई हुई है, और जल्द ही पूरी की पूरी कार्रवाई की जाएगी। हो सकेगा तो महिला को भी उस जगह लाया जा सकता है, ताकि वह जगह जगह की पहचान कर सके। हमारे पास से एक 0 FIR आई है रोहतक से। ये उन्होंने ये बताया, यहाँ पर रेलवे स्टेशन से 14 तारीख को वो सोनीपत से आई थी लेडी, जिसकी उम्र आधार कार्ड के अनुसार उसकी 54 साल है। बता रही है भाई, 7-8 लड़के जो थे वो मुझे ले गए और मेरे साथ गलत काम किया, उसके बाद वो रोहतक से गए। जी, क्या कार्रवाई की जा रही है सर? FIR दर्ज कर ली, अभी जो भी डिस्चार्ज जब वो होगी वो दिया उस पीड़िता, उसको हम यहाँ पर लाके जो क्राइम जहाँ पर हुआ है हम वहाँ का घटनास्थल पर लेके जाएंगे। सामने पूरे पूरे FIR दर्ज कर ली है, पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करके जल्द ही जो भी होगी अरेस्ट करके उनके कार्रवाई में लाई जाएगी। कहाँ ये मामला दर्ज हुआ सर? सर ये रोहतक से हमारे पास है, 0 FIR जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी FIR दर्ज कर। क्या कार्रवाई की जा रही है जी? लेडी उसके पीड़िता के आज हमें जो लेडीज आई है वो गई हुई है जी। आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाएगा? आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।